भारतीय किसान संघ की जब से स्थापना हुई हमारे संस्थापक श्रद्धेय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी ने उसी समय कहा था कि किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की जो जड़ है वो उसके कृषि उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये समस्या समाप्त तो होने वाली नहीं है। छोटे मोटे ये कर्ज माफी या छोटा मोटा कोई पैकेज देने से कोई ये हल होने वाली नहीं है। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य होना चाहिए। जितनी भी सरकारें आई, कई सरकारें आई गई, लेकिन किसानों का ये दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य है कि किसान के साथ में और हमेशा नाइंसाफी होती रही। जब लागत का मूल्य निकाला जाता है तो उद्योगों के लिए अलग नियम है, और जब ये हमारा कृषि उपज का जब लागत मूल्य निकाला जाता है तो उसका अलग तरीका है। आप देखेंगे जब उद्योगों में जब निकाला जाता है तो उसमें सबसे पहले उसमें भूमि, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनती है, उसमें मशीनरी, ये सारे खर्च के ऊपर ब्याज जोड़ा जाता है, वो निवेश माना जाता है। उसके ऊपर जो काम करते हैं कर्मचारी है वो खर्च में माना जाता है, उसमें वहाँ का जो मालिक होता है वो भी कर्मचारी माना जाता है, और उनकी तनख्वाह कितनी करोड़ों में होती है, और ये सारा खर्च निकालने के बाद में और जो प्रॉफिट आता है लाभ वो MRP तय करते हैं वो लोग उसी प्रॉफिट को जोड़ते हुए, तो कितना रहता है इनमें से सारा खर्चा काटने के बाद में जो प्रॉफिट है उसमें से आधे से ज़्यादा बचा लिया जाता है, जनरल रिजर्व कहलाता है, जो बचा हुआ वो डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। आप सोच नहीं सकते कि उसमें 3000 से 4000% लाभांश जोड़ा जाता है, यदि जनरल रिजर्व को भी जोड़ देंगे तो वो 10000% से ऊपर वो राशि बनती है, और यदि हम दूसरे किसान का देखेंगे तो लागत मूल्य निकाला जाता है उसमें जो हमारी जो भूमि का मूल्य वो भी नहीं जोड़ा जाता, हमारी जो फसल की अवधि है 140 दिन मान लीजिए धान का, केवल 40 दिन जोड़े जाते हैं। आज हमने देश को, किसानों ने अपनी मेहनत से अपने बुद्धि से पूरे देश को आत्मनिर्भर बना लिया। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हमारे पास इतना अनाज है कि हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं, ये कुशल बुद्धि का काम है, तो ये कुशल प्रबंधक का उनको कम से कम उनका खर्च जोड़ना चाहिए। जोड़ा क्या जाता है, अकुशल मजदूरी, और वो भी केवल 40 दिन की, यदि 140 दिन की अवधि है केवल 40 दिन जोड़ा जाता है, और इसके कारण से ये MSP तय है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि ये सारी लागत जोड़ करके उसमें लाभांश जोड़ा जाए, और लाभांश जोड़ने के बाद जो राशि बनेगी वो MSP होना चाहिए, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। बाकी जैसा, और दूसरा दुर्भाग्य है इस देश का कि हर कोई व्यवसाय करने वाला अपना मूल्य खुद तय करता है, जबकि किसानों के साथ दुर्भाग्य यह है कि उसका मूल्य वो तय नहीं करता है, उसका मूल्य तय करने वाला या तो सरकार होती है या बाजार होता है। आज हमको ये जो इतना बड़ा, जो हमारे संस्थापक श्री ठेंगड़ी जी ने जो एक बीज बोया था, आज इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया है, आज इस शक्ति के द्वारा हम सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाए कि जब तक लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, और ये एक संवैधानिक बात है, संविधान में हक है कि कोई भी धंधा किया जाता है वो लाभ के लिए किया जाता है, और संविधान हमें किसी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, संविधान हमें किसी राज्य सरकार ने नहीं दिया है, संविधान हमने खुद बनाया है अपनी हिफाजत करने के लिए, कानून की हिफाजत करने के लिए देश को समर्पित किया है। हमको हमारा ये जो संविधानिक अधिकार है लाभकारी मूल्य लेने का, उसे कोई छीन नहीं सकता। भारतीय किसान संघ अंतिम समय तक इसके ऊपर संघर्ष करेगा, लाभकारी मूल्य लेकर के रहेगा। हम ये आज जो यहाँ पर इतनी बड़ी शक्ति के रूप में यहाँ आए हुए हैं, हमको ये सारी बातें और हमारी सारी शक्ति हमको लगा करके अपनी बातों पे हम कायम रहने वाले हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करने के लिए पार्लियामेंट नहीं बनाया है, आज पार्लियामेंट चल रही है, आज तक पार्लियामेंट में इस मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई लाभकारी मूल्य के बारे में। भारतीय किसान संघ इस मंच से और ये मांग करता है कि अभी सत्र चालू है, इसमें
और ये सारी बातों को लेकर के और लागत क्यों लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य को तय करके और किसानों की इस मांग को कई वर्षों से जो मांग लंबित पड़ी है कोई सरकार कर नहीं पाई, और हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि आज ये सरकार इस मांग को पूरी करके अपना दायित्व पूरा करे। और जो कहते हैं कि हम किसानों के हित में काम करते हैं, ये एक अवसर मिला है सरकार को और ये अपनी मांग ये किसानों की मांग पूरी करके, और मैं उसमें MSP सदस्य भी मैं वहाँ ये बातें रखने वाला हूँ। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, आवेदन करता हूँ और ये कहता हूँ कि वहाँ तक नौबत ना आए, उस रिपोर्ट को पढ़ने की भी नौबत ना आए और ये सारे खर्चे जोड़ करके और लागत के ऊपर आधारित लाभकारी मूल्य की घोषणा करते हुए और किसान हित में काम करके जय हिंद जय भारत।